सर क्या कहेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि आपने बहुत काम किया है माशाल्लाह कंज्यूमर एजुकेशन के ऊपर, और हम मीडिया को भी बहुत एंगेज रखा है अपने साथ। इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है पोल्ट्री की, क्या पुरउम्मीद है या हम कहीं डेंजर जोन की तरफ जा रहे हैं? देखिए जी, मैं जस्ट आपके व्यूअर्स जो उनके कंसर्न, आप तो जानती हैं इसको कि मैं पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के साथ और पाकिस्तान पोल्ट्री इंडस्ट्री के साथ पिछले 40 साल से जी जी वापस हूँ, माशाल्लाह बिल्कुल। और मैंने इस इंडस्ट्री को ग्रो होते हुए, प्रोग्रेस करते हुए मुख्तलिफ मराहल में देखा है, एंड वी वर द पार्ट ऑफ इट, जी जी इसकी ग्रोथ के अंदर और इसकी प्रोग्रेस के अंदर। और उसमें ड्यूरिंग दिस पीरियड जो कंज्यूमर एजुकेशन है और स्टेटिस्टिक्स की जो हमारी कमिटीज होती हैं, मैं जी उनको जी हेड करता रहा हूँ। तो जो मैं बात आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो उसकी एक कंटिन्यूअस बैकग्राउंड है माजी की, कि किस तरीके से ये इवॉल्व हुई, क्या पोल्ट्री इंडस्ट्री कहाँ थी, कहाँ आज पहुँची है, और हमारी उम्मीदें क्या थी, और आज हम कहाँ पर खड़े हैं, और हम आज जिस पॉइंट पर खड़े हुए मुस्तकबिल किस तरीके से देख रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 60s के अंदर पाकिस्तान में कमर्शियल पोल्ट्री का आगाज हुआ, और बहुत थोड़ी कमर्शियल पोल्ट्री थी उससे पहले। ज्यादातर अंडे और मुर्गी की जो सप्लाई थी वो देसी मुर्गी से होती थी, गांव में जो लोग देसी मुर्गियां रख लेते थे उसी से ही अंडे आते थे, उसी से मुर्गी बिल्कुल आती, ऐसे। या किसी ने अगर घर में रख ली है तो वो महावर्तन कहा करते थे कि आम आदमी को मुर्गी उस वक्त मिलती है जब मुर्गी बीमार हो या बंदा बीमार बिल्कुल हो। ऐसे ही। लेकिन ये है कि कमर्शियल पोल्ट्री के आने के साथ ये आम आदमी की पहुंच में भी आ गई, और पाकिस्तान के अंदर क्योंकि बाकी के मीट्स में उनकी प्रोडक्शन इतनी ज्यादा नहीं थी, मतलब कमर्शियल लेवल के ऊपर कह रहे कि नहीं थी। मटन को ले लें, बीफ को ले लें, फिश को ले लें, तो उनकी कमर्शियल प्रोडक्शन इतनी ज्यादा नहीं थी। तो ये जिस वक्त ब्रॉयलर की प्रोडक्शन शुरू हुई तो ये एक कमर्शियल प्रोडक्शन थी, जिसकी वजह से ये मुमकिन हुआ कि किस तरीके से वॉल्यूम प्रोड्यूस की जाए और उसको लोगों को ऑफर किया जाए। ऐसे ही तो ये पिछले, मतलब है कि 50-60 साल की जो तारीख है उसके अंदर आप देखें तो लगातार इसके अंदर 10-15-20% पर एनम के हिसाब से ग्रोथ हुई, और आज हम यहाँ पर पहुंचे। और आज अगर आप देखें तो, या आज का मतलब मैं कहूँगा 2-3 साल पहले से लेकर अब तक, जी। या माजी में, तो तकरीबन कोई 10 अरब के करीब जो है ना अंडा प्रोड्यूस हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, और तकरीबन 14 मिलियन के करीब ब्रॉयलर के पेरेंट स्टॉक जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं। और मैं स्टेटिस्टिक्स की कमेटी के साथ जी एसोसिएटेड जी रहा बिल्कुल हूँ, तो 2021, 22 और 23 के अगर मैं फिगर्स जो है उनका थोड़ा सा जायजा लूँ, तो मैं देखता हूँ कि हम लोग तकरीबन 2022 में 6.45 kg पर कैपिटा मीट कंज्यूम कर रहे हैं। पिछले साल ये फिगर जो है वो 20% की रिडक्शन के बाद 5.24% 4 kg पर कैपिटा के ऊपर पर आ गई कैपिटा है। के ऊपर सो 20% बजाय इसके कि हम बढ़ने की तरफ बढ़ना जाते चाहिए हैं, था, रिड्यूस अब हुआ है। रिड्यूस हुआ, सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुई, 20% के करीब रिडक्शन हो गई। इसी तरह जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर ब्रॉयलर पेरेंट स्टॉक जो है वो कुछ 14 मिलियन के करीब प्लेस हो रहा था एनुअल बेसिस के ऊपर, इस साल वो कुछ तकरीबन 10 मिलियन के करीब प्रोड्यूस हुआ है। ओके, वो भी कम। तो दैट मींस कि पिछले साल की निस्बत इस दफा जो पेरेंट स्टॉक है वो 30-40% लेस है। लेस हुआ। इसलिए जो फिगर आज आपको मीट की अवेलेबिलिटी की नजर आ रही है, 2024 और 25 में ये मजीद 30-35% मजीद कम होने जा रही ओह माय गॉड। सो इस वक्त हम 2023 की बात कर रहे हैं कि पिछले से 20% कम होने के बाद वो तकरीबन 5.24 kg पर कैपिटा पे है। और अगर ये जो आज का पेरेंट स्टॉक इन पाइपलाइन है ये ब्रॉयलर को प्रोड्यूस करेगा, तो मीट की अवेलेबिलिटी को चेक करेंगे तो हम लोग 3.64 kg पर कैपिटा पर चले जाएंगे, रिडक्शन ऑफ अनदर 30%। और मैं फिगर्स देख रहा था तो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी कि
कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है मजमूई तौर पर सारे अफ्रीकन ममालिक जिनको पूरी दुनिया में समझा जाता है कि सबसे ज्यादा मीट की कंजम्पशन जो है इन इलाकों में है, उनके अंदर मीट की कंजम्पशन तकरीबन 4 kg के करीब है। हमारी मीट की चिकन मीट की कंजम्पशन जो है वो अगले साल 2024 और 2025 के अंदर ये उससे भी कम हो जाएगी और 6 kg पर कैपिटा के ऊपर चली जाएगी।